अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन हुसैन और इस वक्त मौजूद हूँ पिस्कारा चिंत्राले पे। ये बीच है पिस्कारा का और ये बहुत मशहूर बीच है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये शहर का एक सेंटर लैंडमार्क है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो है पिस्कारा में साइकिलिंग भी होती है और इसी ट्रैक से लोग साइकिल ले जाकर ऊपर बीच की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रिज है यहाँ पर और यहाँ पर आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। ये साइकिलिंग ट्रैक है, वहाँ पर गाड़ियाँ हैं और वहाँ पेडेस्ट्रियल, और यहाँ पर भी बल्कि रोड के उस तरफ और रोड के इस तरफ दोनों जानब पेडेस्ट्रियल वॉक थ्रू है। ये साइकिल के साथ बहुत सारे लोग नजर आएंगे आपको, बच्चे बड़े। आज संडे है तो सारे लोग यहाँ तफरी के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं साहिल समंदर की तरफ। ये भी एक रेस्टोरेंट है। इटली में लोग जो है बार्स में रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा आकर बैठ रहे होते हैं और घंटों घंटों वहाँ आकर गेट टुगेदर गैदरिंग्स करते हैं, और ये लोग इसको अपना एंटरटेनमेंट का तफरी का ज़रिया बनाते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है और इसके उस जानिब जो है आपको समंदर नज़र आ रहा होगा। पिस्कारा असल में बीचेस का सिटी है और यहाँ पर लोग समर में बीच पर आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सर्दियाँ यहाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि सर्दियों में ये वाली तफरी मुमकिन नहीं है। यहाँ मेन्यू में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जो है पिज़्ज़ाज़ होते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो इस इटली की का से ही ओरिजिन है इसका और बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। और यहाँ का पिज़्ज़ा वैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों के पिज़्ज़ा की नस्बत इंतहाई मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक्चुअल पिज़्ज़ा है ही यही, और ऐसे शॉप्स को पिज़्ज़ेरिया कहते हैं। ये रेस्टोरेंट है, यानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सी फूड्स भी होता है। यहाँ ऐसे रैक्स पर जो है साइकिल्स रख दी जाती हैं। पिस्कारा चिंत्राले एक बहुत ही हैपनिंग और लाइवली सी जगह है। ये शंघाई रेस्टोरेंट, गालिबा यहाँ पर चाइनीज फूड मिलता होगा। ये एक और पिज्जा रेस्टोरेंट है। और वो है सामने, अगर नज़र आ रहा हो, जिलेटेरिया। बेसिकली जिलेटेरिया इटालियन आइसक्रीम को कहते हैं, जो दुनिया की, इसको आइसक्रीम नहीं कहते, इसे ही लोग जिलेटेरिया ही कहते हैं। और वो दुनिया की दीगर आइसक्रीम्स की नस्बत इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि एक तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड होता है, दूसरा फैट बहुत ज़्यादा कम होता है इस आइसक्रीम में। तो ये आइसक्रीम की रेसिपी डिफरेंट है और इसका नाम भी डिफरेंट है। इटली
इटालियंस खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मसलन आइसक्रीम दे वुड कॉल इट जिलेटेरिया, पिज्ज़ा इनका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और नाम बहरहाल यही है पिज्ज़ा। और इसके अलावा कॉफ़ी पेशे के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर आपको यहाँ स्टारबक्स नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर कॉफ़ी का जो इनका है तरीक़ाकार वो भी अपना ही है, बिल्कुल डिफरेंट। कई तरह के आपको कैफ़े मिल जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ये लोग एस्प्रेसो पीते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो है तेज़ पसंद ना करता हो, स्ट्रॉन्ग पसंद ना करता हो, तो फिर मेरी तरह तो फिर उसके लिए जिनसेंग बेहतर रहती है। तो ये है छोटा सा एक टूर इटालियन बीच का। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात किसी और जगह के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।